बहुत वकालत थी कि मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि बहरिया टाउन कराची की इन्वेस्टमेंट कैसी है, DHST कराची की इन्वेस्टमेंट कैसी है, क्या वहां आज भी इन्वेस्टमेंट करना बनती है कि नहीं बनती, जहां हमारा पाकिस्तानी रुपयों को इतनी पिटाई लगी है, इतनी पिटाई लगी है कि जहां वो 160 170 80 का होता था आज वो 210 215 में ट्रेड हो रहा है। क्या ऐसी कंडीशन में भी क्या ओवरसीज को पैसा पाकिस्तान भेजना भी चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? ये बात जहन में रखिए कि यहाँ पर कैटेगरीज हैं, यहाँ पर बायर और सेलर अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हर तरह का बायर यहाँ मौजूद होता है। एक बायर तो वो मौजूद है कि जिसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो गल्फ साइड से निकल के कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सिंगापुर या किसी भी ऐसे ओवरसीज कंट्री में चले जाए जहां उसकी जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर हो, रिहाइश के लिहाज से उसको वहां अपॉर्चुनिटी मिल सके और वहां आपने वो बिजनेस को आगे एक्सेल कर सके। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्हें वहां अपॉर्चुनिटी मिल जाती वो पाकिस्तान अभी फिलहाल प्रेफर नहीं करेंगे। ये बात जहन में रखिए कि उन लोगों के लिए अभी फिलहाल पाकिस्तान इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं काउंट की जाएगी, जबकि उसके बावजूद पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हर बंदा बाहर रहने वाला भी घबरा रहा है। मेरी एक कस्टमर से बात हुई, उसने कहा कि वकार भाई 0.90 यूरो में मैं ऑयल लेता था तो अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 यूरो का मुझे ऑयल मिल रहा है बाहर, मतलब ये वो बात कर रहा है जर्मनी की। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि बाहर कितनी इन्फ्लेशन होगी। अगर किसी की 2,000 या 3,000 या 6,000 डॉलर भी अगर किसी की तनख्वाह है तो वहां पर जो टैक्सेस बढ़े हैं, वहां पर जो आपका जो मॉर्गेजेस उन्होंने, जैसे गाड़ी उन्होंने ली हुई है तो आप पहले गाड़ी भी वो 1% देता था सूद, अब वो 3% हो गई, तो उसकी जो इनकम है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है इन्फ्लेशन को, और जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं होती, गवर्नमेंट भी अगर स्टेबलाइज हो जाती इन्फ्लेशन रेट चलता रहता है बात सही थी, लेकिन जहां आपके पसंदीदा इमरान खान को गिरा दिया गया वहीं पर ही यही बात सामने आई कि लोगों ने आप पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों ने जो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और उनके पास ऑप्शन मौजूद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनके पास बाहर जाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, इट मींस कि वो बाहर नहीं जा सकते या जाना ही नहीं चाहते। मेरे कस्टमर से बात है, वो कहता है वकार भाई मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरा कोई बाहर रहता नहीं है पाकिस्तान से बाहर या यूरोप साइड पे या बाकी साइड पे, मैं जा भी सकता हूं लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। भाई क्यों नहीं जाना चाहते? भाई मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, मैं अपने फ्यूचर को पाकिस्तान में ही देखता हूं, मैं अपने फ्यूचर को पाकिस्तान में देखता हूं, मैंने पाकिस्तान ही आना है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो यहां से निकल के US जाना चाहते हैं लेकिन उनकी डिग्री पाकिस्तान की है तो बाहर जाके उनको वो काम नहीं मिलेगा जो वो बैठे गल्फ में बैठ के काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऐसा बायर जो गल्फ में मौजूद है वो पाकिस्तान आएगा। ये आप जहन में रखिए कि जिस दिन हमारी गल्फ कंट्री जैसे कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, आपका हमारा दुबई, इस तरह की जितनी भी हमारे कंट्रीज हैं उन्होंने जिस दिन रिहाइश दे दी ना इनको, जैसे हमारे ग्रीन कार्ड मिलता है अमेरिका में, बस समझ लें उस दिन फट्टा बैठ जाएगा हमारा पाकिस्तान का। अब हमारे एक और अपॉर्चुनिटी भी है, वो लोग पाकिस्तान आएंगे ही आएंगे जो बाहर जा ही नहीं सकते या जो बाहर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको सेल्फ सिक्योरिटी मिलती नहीं फ्यूचर के लिहाज से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिहाज से बेहतरीन है, चाहे वो DHST कराची हो, चाहे वो बैठम कराची हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन है। मकान बनाकर रिहाइश करें, मकान बनाकर किराए पे दें, मकान बनाकर बेचें, हर लिहाज से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लाखों के करीब मकानात यहाँ पे शॉर्ट है, एक बेहतरीन बिजनेस है जो कि आपका इंतजार कर रहा है कि आप आने वाले 5-10 सालों में आके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ऑफिशियल अमाउंट बहुत कम है, चाहे वो DHST कराची हो, चाहे वो बैठक कराची हो। अब नए टैक्सेस की बात की गई मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कि भाई ये नए टैक्स आ रहे हैं जिनकी 2-2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की FPI वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सिटी हो या बैठाउन हो, एक मिडिल क्लास के ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। अमाउंट क्योंकि छोटी है, FPI वैल्यू की अमाउंट ही बहुत कम है। अब हम आगे चलें कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हमें कहां करनी चाहिए, DHST कराची में करनी चाहिए, बैठम कराची में करनी चाहिए। तो मैं वाजे करता चलूं आपको कि आज की मार्केट में भी हमारे यहां पाकिस्तान में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है कि आप स्टार्टअप कंपनी से पैसा लगा सकें, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है।
अब अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके पास सिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल के लिहाज से बेहतरीन है। वहां पर पहले 3 ऑप्शन होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑप्शन हो चुके हैं, 14 ए बी डी भी, अब वैली का ऑप्शन भी आ चुका है, तो वहां हमारे ऑप्शन मौजूद है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अभी रिहाइश मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में 4 से 5 साल के बाद वो इस जगह इस काबिल हो जाएगी कि वहां मकान बनाकर रह भी सकेंगे और किराए भी दे सकेंगे। शौकत खानम वहां आ रहा है, गेम चेंजर। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो ऑपरेशन हो जाएगा, तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा डीएचए सिटी कराची में। बहरे टाउन तो सबके सामने ही है, वहां के मामला दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बेशक रेट नीचे आ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद रिहाइश के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से वो एक बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन सोसाइटी है, बहुत काम हो रहा है। आके उसको विजिट कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए कि हमें सिटी में जाना है या बैठा जाना है। बाकी मजीद तफसीलात के लिए मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू।